आज मैं आपको बताती हूँ शोले फिल्म से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें जो आपने शायद ही सुनी होंगी। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में डाकू गब्बर सिंह अरेस्ट हो जाता है, लेकिन ये क्लाइमैक्स ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में डाकू गब्बर सिंह ठाकुर के हाथों मारा जाता है और इसकी शूटिंग तक हो चुकी थी, लेकिन जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास गई तो सेंसर बोर्ड को ये एंडिंग पसंद नहीं आई। उन्होंने फिल्म मेकर से कहा कि गब्बर को पुलिस के हाथों अरेस्ट करवाओ, जिससे कि लोगों के लिए एक मिसाल बने। तब सेंसर बोर्ड के कहने पर फिल्म का क्लाइमैक्स बदला गया और दोबारा से शूट किया गया। वीरू और बसंती की रोमांटिक कॉमेडी कौन भूल सकता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र पहले वीरू का नहीं बल्कि ठाकुर का रोल करने वाले थे? जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में हेमा मालिनी वीरू का लव इंटरेस्ट प्ले करने वाली हैं, तो उन्होंने ठाकुर का रोल छोड़कर वीरू का रोल अपना लिया। दोस्तों, इस फिल्म में एक कॉमेडी सीन था जिसमें जय वीरू का रिश्ता लेकर बसंती की मौसी के पास जाता है और वीरू की कुछ ऐसी तारीफ करता है कि देखने वाले हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। ये सीन दरअसल काल्पनिक नहीं था बल्कि लेखक सलीम और जावेद की रियल लाइफ में से लिया गया था। जावेद अख्तर हनी ईरानी से शादी करना चाहते थे और सलीम खान उनका रिश्ता लेकर हनी ईरानी की माँ के पास गए थे, और जिस तरह फिल्म में जय ने वीरू की खूबियाँ मौसी को बताई थी, कुछ उसी तरह सलीम ने जावेद की तारीफ करी थी। लेकिन इतनी तारीफ सुनने के बाद भी हनी ईरानी की माँ मान गई और जावेद और हनी ईरानी की शादी हो गई। ये दोस्ती। इस गाने को शूट करने में पूरे 21 दिन लग गए। ये गाना फिल्म में अमिताभ और धर्मेंद्र का इंट्रोडक्शन था और डायरेक्टर रमेश सिप्पी इसको परफेक्ट बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि दोनों की यारी एकदम रियल लगे और लोगों के दिलों को छू जाए। दोस्तों, इस फिल्म में जय का रोल अमिताभ बच्चन ने किया था और उनकी लव इंटरेस्ट राधा का रोल जया बच्चन ने किया था। ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ और जया की शादी फिल्म रिलीज होने के सिर्फ 4 महीने पहले हुई थी और फिल्म की शूटिंग के दौरान जया प्रेग्नेंट थी। दोस्तों, गब्बर का किरदार इंस्पायर हुआ था एक रियल लाइफ गब्बर सिंह से, जो 1950 के दशक में ग्वालियर के इलाके में डाकू था और पुलिस वालों के नाक और कान काट लिया करता था। इस फिल्म में सांबा का रोल किया था मैकमोहन ने और इस पूरी फिल्म में उनका सिर्फ एक ही डायलॉग था, पूरे 50,000। और देखिए क्या बात है कि ये एक डायलॉग आज आइकॉनिक बन चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस पत्थर पर बैठकर मैकमोहन ने ये डायलॉग बोला था, वो पत्थर आज भी उस गांव में वैसे ही मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये पत्थर एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। जगदीप का किरदार सूरमा भोपाली एक रियल लाइफ पर्सन से इंस्पायर्ड था। उस रियल लाइफ पर्सन का नाम भी सूरमा था। वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और एक्टर जगदीप का दोस्त था। ठाकुर का कैरेक्टर ओरिजिनल स्क्रिप्ट में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, लेकिन जब फिल्म मेकर्स को लगा कि अथॉरिटीज से इसकी परमिशन लेने में ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इस कैरेक्टर को बदलकर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बना दिया गया। दोस्तों, शोले इंडिया की पहली 70mm की फिल्म थी। इससे पहले फिल्में 35mm में बनती थी। 70mm स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें डिटेल्स ज़्यादा बारीकी से नज़र आते हैं, रेजोल्यूशन और कलर्स दोनों ही ज़्यादा अच्छी तरीके से नज़र आते हैं। इसके अलावा शोले इंडिया की पहली स्टीरियोफोनिक साउंड वाली फिल्म थी। तो दोस्तों, ये थी शोले से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। आपका शोले में कौन सा सीन सबसे फेवरेट है, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।